और अभी की एक और बड़ी खबर दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी हुई है। जानकारी यह मिल रही कि पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए नए आरोपियों में बेसमेंट का मालिक है, साथ ही उस काली गाड़ी का ड्राइवर भी है जो वहां से गाड़ी को तेज रफ्तार में लेकर गुजरा था और बेसमेंट का गेट तब टूट गया और यह सैलाब नीचे की तरफ चला गया था, बेसमेंट की तरफ चला गया था पानी। 5 नई गिरफ्तारियों के बाद अब तक कुल 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो दिल्ली कोचिंग हादसे पर अभी की बड़ी खबर, कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है जिनकी अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले में भूमिका बताई जा रही है। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक? हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और 1 व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस गेट, उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है। तो कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं और हम आपको हादसे के दौरान की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, जो अलग अलग नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से ये तस्वीरें क्लिक की थी, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वो छात्र हैं जो अंदर फंसे हुए थे जब ये हादसा हुआ है। एक एक करके इन्हें उस वक्त बाहर निकाला जा रहा था। आप देख सकते हैं पानी बहुत तेजी के साथ बेसमेंट की तरफ भरता हुआ। क्विक क्विक शब्द आप सुन पा रहे होंगे। वहीं मौजूद एक शख्स इन छात्रों से कहता हुआ कि जल्दी से निकलो, जल्दी से निकलो, लेकिन 3 लोग फिर भी नहीं निकल पाए, उनकी जान चली गई। और एक ऐसा हादसा जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया। मेरे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी मौजूद हैं, इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वरुण, जो नई गिरफ्तारियां हुई हैं, इनकी क्या भूमिका पाई जा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, 4 तो उस बेसमेंट के मालिक है जिस बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चल रही थी, लेकिन जो 5वीं गिरफ्तारी है उस काले रंग की गोरखा फोर्स गाड़ी की है जो कि उस दिन 6:30 बजे के आसपास इंस्टीट्यूट के बाहर से गुजरी। गाड़ी का ड्राइवर बेहद तेज गति से उस 5 से 6 फीट पानी में से अपनी गाड़ी को गुजारता है, जिससे पानी की तेज लहरें बनती हैं जो कि इंस्टीट्यूट के गेट से टकराती है और गेट टूट जाता है, और उसी के चलते जो पूरी सड़क का पानी था उसको इंस्टीट्यूट के अंदर घुसने की जगह मिली और वो बेसमेंट के अंदर भरता चला गया। लेकिन पुलिस के अधिकारियों से जब हमने पूछा कि किस सेक्शन में ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, तो उनका कहना है कि जिस सेक्शन में एफआईआर दर्ज किया, यानी गैर इरादतन हत्या, अगर ड्राइवर जिसकी मजबूरी है कि जो भरा हुआ पानी है उसमें से किसी तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए गुजरना, अगर उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, तो वो एजेंसी के लोग क्यों नहीं, वो एमसीडी के लोग क्यों नहीं, जिनके चलते यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स था, जिसके चलते सड़क पर पानी भरता चला गया और किसी इंसान को मजबूरन अपनी गाड़ी गुजारना वहां से गुजारनी पड़ी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब निशान, अब जवाबदेही पुलिस की भी यहां पर आगे बनती है कि अगर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है तो एजेंसी के उन लोगों तक भी उनका शिकंजा पहुंचे जिनके चलते पूरी दिल्ली। छोटी मछलियां जो इन्हें पकड़कर क्या मिलेगा, वो लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस हादसे के लिए जो संबंधित एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वहां पर इस तरीके से जल भराव ना हो, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो। दूसरी बात, अगर बेसमेंट में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट लंबे वक्त से चल रहा था, क्यों नहीं पहले ही सील किया गया था? तो ऐसे ऐसे लोग जो इन विभागों को हेड करते हैं, इन महकमों के हेड है, इन्हें भी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य के लिए एक नजीर भी हो। शुक्रिया फिलहाल वरुण इस जानकारी के लिए आपका। और अब कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन किए चुकी है, मामला अब राजनीतिक भी हो गया है। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत को हादसा नहीं बताया है बीजेपी ने। उन बीजेपी का कहना है कि दरअसल यह हत्या है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पर मेरे सहयोगी अहमद बिलाल भी मौजूद हैं। बिलाल, बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल और अतीशी का इस्तीफा मांगा जा रहा है और इस हादसे को हत्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर हाथों में ये इस तरीके से चम्मच और थाली और दूसरे हाथ में यहाँ पर चूड़ी लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों ये थाली और चम्मच लेकर के और चूड़ियां लेकर के? हम ये थालियां और चूड़ियां दोनों चीज इसलिए लाए हैं क्योंकि जो थाली और ये चम्मच
बच्चे होते नहीं, ये हमारे किचन में यूज आने वाले होते हैं, लेकिन आज हम इतने मजबूर हो गए कि इन्हें लेकर यहाँ आए। दिल्ली सरकार इस तरह गूंगी फट बहरी हो चुकी है कि उन्हें हमारा दर्द सुनाई तो छोड़ो, दिखाई भी नहीं देता। अभी तक शराब की नगरी बना रखा था दिल्ली को, गंदे पानी से बेहाल। क्या मांग है, मांग क्या कर रहे हैं आप लोग, ये चूड़ियां जो मांग रहे हैं कि दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा छोड़ना चाहिए, अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। आतिशी और ये केजरीवाल ये बैठ के क्या कर रहे थे जब पीडब्ल्यूडी के नाले ओवरफ्लो हो रहे थे, तो वो क्या सो रहे थे वो अब तक? लेकिन 7 सांसद तो बीजेपी के भी हैं, राजेंद्र नगर जिस इलाके में पड़ता है उसकी सांसद बासुरी स्वराज भी तो हैं, वो तो बीजेपी की हैं। सर राज तो उनका ही चल रहा है ना, वो जेल से भी सत्ता चला रहे हैं, अंदर से वो किसको क्या कमांड कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे दिल्ली को जलमय बना रखा है, दिल्ली के जल भराव जो भरे हुए हैं उसको खाली खाली करवाते हैं अपनी सत्ता के अंदर। एमसीडी की जिम्मेदारी है, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी की भी कोई जिम्मेदारी है? केंद्र में सरकार है, सांसद दिल्ली में है, बीजेपी अपनी जिम्मेदारी निभा तो रही है, उसे आने का मौका कहां देते हैं, लोग करने ही नहीं देते कुछ। अब जो बच्चे मरे हैं उनका जिम्मेवारी अब कोई भी नहीं ले रहा, अब कर रहे हैं ये कार्रवाई। ये जो नाले भरे थे ये इन्हें पहले सफाई करनी थी ना। आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि एलजी साहब कुछ काम करने नहीं देते अधिकारियों को, अब जो है वो नहीं काम करने देते, अधिकारी भी टाइम नहीं देते। भाई साहब जब काम करने की जिम्मेदारी आती है ना तो वो ऐसे ही आरोपण करते हैं एक दूसरे पर, जबकि काम करने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए, विधायक उनकी। ठीक है तो देखिए अखिलेश, एक बार मैं आपको प्रोटेस्ट के भी अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन हेमंत सूद से मैं कहूंगा कि एक बार वो कैमरा ऊपर कर ले और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इनकी जो मांग है वो किस तरीके से है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आतिशी का इस्तीफा हो और ये जो आपराधिक जो लापरवाही है ये इस लापरवाही को आपराधिक लापरवाही कहने में हमें बिल्कुल भी गुरेज जो है वो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। प्ले कार्ड देखिए वो इसी तरीके से है कि इस्तीफा दो दिल्ली सरकार, इस्तीफा दो। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, हाथों में थाली चूड़ियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे पूरे देश की माएं दिल्ली की तरफ देखती हैं जब वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, एक उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, और दिल्ली को एक सभी माँ बाप देखते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी आसपास के शहरों में पढ़ते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे दिल्ली में क्या पढ़े। आप ये देखिए कि जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है इस तरीके का, पानी की वजह से और बिजली के करंट लगने की वजह से, ये जो दिल्ली सरकार की जो एक तरीके से दिल्ली सरकार की ही सिर्फ जो जिम्मेदारी बनती है, बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। 7 सांसद है वहाँ से, सांसद बासुरी स्वराज वहाँ का पार्षद, वहाँ का और वहाँ का विधायक, और वो दोनों के दोनों जो आम आदमी पार्टी के हैं, और जो जल मंत्री है वो भी आम आदमी पार्टी की है। तो जिस तरीके से जल को लेकर इतने दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि अधिकारी उनको टाइम नहीं देते, डिसिल्टिंग के लिए वो कहते हैं लेकिन उनको वक्त नहीं। देखिए हम सभी जानते हैं कि जल का काम दिल्ली सरकार का है, एमसीडी दिल्ली सरकार की है। जिस तरीके से वहाँ पे 1700 लाइब्रेरी चल रही है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से चल रही है, जो कि नॉट अलाउड है। क्या 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 3 बच्चों की मौतों पर राजनीति हो रही है? हम राजनीति के उससे नहीं, हमारे बच्चे, हमारी जितनी उम्र के बच्चे आए हुए हैं, हमारे जैसे बच्चे हैं, जवान बच्चे, हमें इतना दुख है, राजनीति से हटकर हम बात कर रहे हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें, ये हमारा दर्द है, हमारा राजनीति नहीं है। तो फिर ऐसे में सिर्फ राजनेताओं से ही क्यों इस्तीफा, अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई? अधिकारियों से भी इस्तीफा मांगना चाहिए, पहले तो राजनेता दे इस्तीफा, फिर अधिकारी अपने आप ही देंगे, अपने आप ही अधिकारी अपने आप ही देंगे। गलती उनकी भी है, उनकी भी है, दोनों की ही गलती है। आज संसद में हमारे जो सांसद हैं वो सभी इस मुद्दे को उठाने वाले हैं कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर एक जवाबदेही बनती है जो आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर इसी तरीके से अखिलेश, यहाँ पर मैं और अंदर की तरफ आपको लेकर के जाना चाहूंगा। तो देखिए जहाँ पर हर दूसरी महिला के हाथ में प्ले कार्ड है और यहाँ से जो मंच से जो बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं और संबोधन केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और जहाँ पर जो नीचे कार्यकर्ता है उनके हाथों में इस तरीके से जो हाथों में थाली, और देखिए यहाँ पर जो चूड़ियां है वो महिलाएं लेकर के यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये सभी जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए हैं, और इनकी कोशिश अब यही है कि यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन आगे भी लेकर के जाएंगे, और ये मार्च जो है वो अपना आगे की ओर आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर भी लेकर, यहाँ से आप लोग आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर जाएंगे, कार्यालय तक जाएंगे, केजरीवाल जी को चूड़ी पहुंचा खाएंगे। केजरीवाल जी चूड़ी पहनो और जेल में ही रहो, दिल्ली का अपनी गद्दी से इस्तीफा दे दो। और इसके अलावा और क्या मांग कर रहे हैं? और ये मांग करने आए हैं जिन बच्चों की हत्या हुई एमसीडी के अंदर, केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ना नारे साफ करवाए, हम भी पार्षद थे।
लेकिन इतना बुरा हाल हमने कभी नहीं देखा। बिलाल मैं आपके पास आऊंगा, लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, उसका सहस अंदाजा लगाया जा सकता है। वाकई में ये जानलेवा लापरवाही है और बहुत जरूरी है कि इस मामले में आपराधिक मामले की जैसे कार्रवाई होती उसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।